ममता बनर्जी अपने परिवार से कैसे लेकर नहीं आई है। इस देश के संसाधनों पर गरीब आदमी का भी उतना ही हक है जितना देश के करोड़पतियों का हक है। इसलिए भिखारी कहना सरेसरम दलितों का अपमान करना है और दलित इसका बदला लेगा इस चुनाव में। बिल्कुल ये हार की चीज है क्योंकि दलित वोट आज वोट बैंक नहीं रहा है। दलित वोट आज अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कैसे भविष्य रहेगा इसकी चिंता करता है, उसके तहत वोट देता है और आज उसको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, उनका वोट कुछ भी रहे मुझे मालूम नहीं। हम एक मानवता का वोट है हमारा, नरेंद्र मोदी जी का वोट है माना तो देश का नागरिक, और देश के नागरिकों के संसाधनों पर बराबर का सबका हक है। आप किसी को भिखारी नहीं कह सकते। आदरणीय पत्रकार बंधु, आज इस विषय को लेकर हम यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। कल हम इलेक्शन कमीशन में भी गए थे, आदरणीय नकवी जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान में दिया है और आदरणीय एससी कमीशन गए थे। टीएमसी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग का दलितों का घोर अपमान, ये कहना कि दलित स्वभाव से भी भिखारी होता है और अभाव से भी भिखारी होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो दलित है वो स्वभाव से भिखारी है, आदत से भिखारी है। अभाव कोई कारण रह सकता है, अभाव के कारण कोई आदमी चीज मांगता है तो उसको भिखारी वैसे भी नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर स्वभाव से ही भिखारी कहा गया है। ये दलितों का घोर अपमान है, जबकि 10 साल से वे खुद शासन कर रहे हैं, 10 साल से अनुसूचित वर्ग को कुछ भी नहीं दिया और वो कहते हैं कि ये लोग छोटे से लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत आज तक जो भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, योजना को हम गिने तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन उनको वितरित करते हुए हमने ना जाति देखी है, ना धर्म देखी है, ना भाषा देखी है। हमने एक देश के नागरिक के नाते उसको सारी सुविधाएं देने का काम किया है। और जहां तक कि पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसके लिए 1.25 लाख बैंकों को डायरेक्ट लाल किले से बोलना कि आप दलितों के उत्थान के लिए उनको व्यावसायिक बनाए ताकि वे नौकरी देने वाले बने। परंतु टीएमसी और कांग्रेस की सबकी मानसिकता जो हम पहले से भी देखते रहे हैं, आज उनकी मानसिकता साफ साफ दर्शा गई 70 वर्षों बाद भी, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर के हक के संविधान को देने के बावजूद भी, आज दलित वहां का अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चों का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे होगा, मेरे महिलाओं की सुरक्षा कैसे रहेगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, और जो उनको रोजगार देगा, जो कसौटी पे खड़ा है वो उसको वोट देगा। लेकिन जो टीएमसी और कांग्रेस की मानसिकता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो होता है वो माइनॉरिटी का होता है, जिस प्रकार से वहां पर लगातार इंकित किया जा रहा है, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, दलितों के मकान जला दिए गए, चिन्हित कर कर कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, मां बाप परिवार सामने आते हैं तो उनको भी मारा जाता, उसके बावजूद भी कहां पर हमारा कार्यकर्ता और समस्त समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के रास्ते ही अपना समाधान देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से दलित पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। कल इलेक्शन कमीशन से भी हमने कहा है कि वह ममता बनर्जी पर डायरेक्ट संज्ञान लें कि उनको दलितों पर कोई विश्वास नहीं है। आज अनुसूचित आयोग वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है, आज दलितों के पास वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा मंत्रालय नहीं जिसमें अनुसूचित वर्ग पर वो संज्ञान ले सके या उसकी चिंता कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो शब्द कहे गए स्वयं ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शाते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल कमीशन से हम मिले थे, अनुच्छेद 324 के तहत टीएमसी के नेताओं और पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज आयोग से हम मिले अनुच्छेद 338 के तहत आयोग के बयानों का संज्ञान ले और इनकी जो पार्टी की मान्यता है उसको भी बंद खत्म किया जाना चाहिए और जल्दी से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो भी उनके संज्ञान में आता हो पूरा प्रतिवेदन जो हमने दिया हम आपको भी वितरित करेंगे और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कहा था
कि वो ब्राह्मण है तो क्या इससे भी कोई इसका संबंध है? जो परसों कुछ दिन पहले की निकाह हो चुकी है, नहीं उनका गोत्र कुछ भी रहे मुझे मालूम नहीं। हम एक मानवता का गोत्र है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का गोत्र है, मानव तो देश का नागरिक, और देश के नागरिकों के संसाधनों पे बराबर का सबका हक है। आप किसी को भिखारी नहीं कह सकते, तो इतना बड़ा घोर अपमान है, हम भूखा रह सकते हैं लेकिन भिखारी सुनना हम पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जहां पर अगर ये दे रहे हैं, कोई ममता बनर्जी अपने परिवार से कैसे लेकर ले आई है? इस देश के संसाधनों पर गरीब आदमी का भी उतना ही हक है जितना देश के करोड़पतियों का हक है। इसलिए भिखारी कहना सरेशरम, दलितों का अपमान करना है, और दलित इसका बदला लेगा इस चुनाव में। जिनके बयान को आधार बना के आप ये सब कर रहे हैं, कल तक तो वो आपके ही साथ थी। नहीं, बयान जो होता है सात और सौम का नहीं होता, बयान उसकी मानसिकता का होता है, और आज हमारी माँ हमारे साथ में होने का नाम है, तो हमारे साथ में भी होने वाला कहता तो हम स्वयं कार्रवाई करते। सर यदि आप की जगह पर गए, चुनाव आयोग में या कमीशन में तमाम जगह पर गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, तो किस तरीके का एक्शन चाहते हैं आप? अभी तक एक्शन नहीं हुआ, सर आगे क्या करेंगे? कल इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वस्त किया है, शाम तक उसने वहां से सारे जो तथ्य चाहिए थे वो तथ्य कल मंगाए हैं उसने, और जो कमीशन ने भी ऐसे कमीशन ने भी कहा है मैं जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पार्टी पे की हम तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता है, ये ममता बनर्जी की मानसिकता है। क्या उसको कोई भी दलित ऐसा नहीं मिला जो उनके यहाँ नेता ऐसा हो दलितों को उत्थान कर सके? आयोग का ऐसी आयोग का भी वहां पे गठन नहीं किया गया, ऐसी अनुजाति पर कहाँ जाएगा वहां पर? अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल ये हार की खीज है, क्योंकि दलित वोट आज वोट बैंक नहीं रहा है। दलित वोट आज अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कैसे हो सकेगा इसकी चिंता करता है, उसके तहत वोट देता है, और आज उसको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकते हैं। और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि वेस्ट बंगाल में दलितों के सहयोग से, सब दलित समाज और सबके सहयोग से, जो सब जाति धर्म के कोई सेवा नहीं है, सभी के सहयोग से नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है।